हेलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में दोस्तों अगर आपको मैथ नहीं आती तो टेंशन नहीं लेना है जीरो लेवल मैथ का तीसरा पार्ट लेकर के हम उपस्थित हैं बस ये एक बात याद रखना कि न रहो न निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ नाम करो ये जन्म हुआ है किस अर्थ आओ समझो जिससे ये व्यर्थ न हो है ना कुछ तो उपयुक्त करो मन को न रहो न निराश करो मन को तो टूटी फूटी इन्हीं पंक्तियों के साथ इस क्लास को हम शुरू करते हैं आज का आपका अपना टॉपिक होगा फैक्टर यानी कि गुणनखंड देखिए जैसे ये नंबर लिखा है फोर फोर के हमने टू फैक्टर निकाले टू टू और बराबर ऐसे लिख दिया तो ये आता कैसे है होता कैसे है इसके बारे में हम पूरा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे जैसे सिक्सटीन लिखा तो देखो सिक्सटीन को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू मतलब ये आता कैसे है देखो एक्चुअली होता ऐसे ही है जैसे एक मैं नया एग्जाम्पल ले लूँ तब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ जैसे मैंने एक नंबर ले लिया एट्टीन ठीक है तो इसको सबसे पहले देखा जाता है कि ये सम संख्या है कि विषम है भाज्य है कि अभाज्य है तो ये सब हम पहले क्लास में बता चुके हैं तो साथियों अठारह जो है ये सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है तो इस तरह की संख्याएं है जो हैं वो दो से प्राय लगभग सभी कट जाती हैं तो दो से कट जाने का मतलब समझ लो दो से कट जाने का ये मतलब है कि इसको दो से ऐसे करके भाग करो जो हम बचपन में सीखे थे पिछली क्लास में ये दो से भाग करो तो दो नवा ये अठारह कटने के बाद सेज फल जीरो आ रहा है ना तो जो ऊपर गिनती जा रही है वो भागफल कहलाती है और वही गिनती हम यहाँ नीचे लिखते हैं बात समझ गए जो ऊपर यहाँ जा रही वही नीचे लिखी जाती है बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इसके बाद अगर आप देखो भाग करके नौ में दो से तो नहीं कटेगा ये ये पूरी तरह कटेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे फिर इसमें हम तीन से भाग करेंगे तो तीन त्री का नौ तीन बार जाएगा ना उसके बाद क्या होगा पता है आपको फिर ये तीन से जाएगा तो तीन एक कम तीन ये बात आप समझ गए इस तरह से अठारह का हम गुणनखंड कह सकते हैं इसे मैं यहाँ ला के लिख ले रहा हूँ चूँकि वहाँ जगह नहीं है तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री और इंटू वन भी आप लिख सकते हो लास्ट में जो वन है ठीक है यानी टू थ्री जा सिक्स थ्री जै एटीन इसका फाइनल में मल्टीपल करने पर ये आ जाए यही होता है गुणनखंड बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है जो कुछ बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती बस जैसे एक संख्या देख लो दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन के गुणनखंड करने हैं इनको भी हम वैसे ही भाग करेंगे जैसे आप सीखे हो दो एक कम दो 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 न चार और ये फिर दो अठे सोलह ठीक है फिर से क्या करोगे फिर से वही प्रक्रिया पूरा प्रक्रिया वही करोगे बार बार फिर दो से इसे फिर से भाग करोगे आप एक में भाग दे देख लो दो छंग बारह तो दो चौका आठ चौंसठ जाएगा फिर से दो से भाग करोगे तो दो तेई छः दो दूना चार फिर से दो से भाग करोगे तो दो एकम दो छंग बारह फिर से दो से भाग करोगे तो दो अठे सोलह और फिर से ऐसे दो से करोगे तो दो चौका आठ ठीक ऐसे करते जाओ दो दूना चार और फिर से दो एक कम दो इसी तरह से आप इसका फैक्टर कर सकते हो इसका गुड़ा कर लो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस दूना चौंसठ दूना एक सौ अट्ठाईस दूना दो सौ छप्पन तो मतलब आप यहाँ पर कंसेप्ट समझना बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं समझना अब दो सौ छप्पन को हम लिखेंगे ये कितनी बार तीन तीन छः दो आठ बार इसमें हम दो गुड़ा दो लिखेंगे कितनी बार लिखेंगे आठ बार देखो तीन तीन छः एक सात आठ बात समझ गए ये होता है गुड़नखंड वैसे गुड़नखंड आप समझ गए होंगे देखो पहले करते कैसे हैं इस तरह का भाग करते हैं दी गई संख्या में एक और इसमें समझ लो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दी गई संख्या को हम कोशिश करते हैं छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं जैसे ये था अठार सोलह ना सोलह को हमने दो से क्यों काटा था आप लोगों के मन में होगा तीन से काय नहीं काटा भैया तीन का पहाड़ा तो इसमें जाएगा तीन पचे पंद्रह लेकिन इसमें शेषफल एक आ जाएगा जब इसमें शेषफल आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि दी गई संख्या तीन से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है और अगर शेषफल आ रहा विभाजित नहीं हो रही है तो उस संख्या से गुणनखंड में नहीं काटा जाता है जैसे यहाँ देखो शेषफल जीरो आया था दो से भाग करने पर तो इसको दो से काट सकते हैं आप लोगों का सवाल होगा कि अठारह को तीन से कहीं नहीं काटा तो अठारह को तीन से आप काट सकते थे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन समस्या ये थी कि लास्ट में जब आप तीन छंग अठारह ले जाते लास्ट में फिर से दो से कटता तो इसमें नियम ये होता है और सही भी होता है अगर ऐसे करते हो तो हम सीरियल से काटते हैं पहले दो से उसके बाद तीन से फिर चार से फिर पाँच से छोटी छोटी संख्या से पहले काटते हैं देखो ये तीन चार जो भी सवाल दिए गए इनका आप खुद से फैक्टर करना खुद से गुणनखंड करना और बाद में इनका उत्तर कमेंट करना लास्ट में ठीक है वीडियो में फिर से आना यूट्यूब पे सर्च करके पी स्टडी और उत्तर कमेंट करना ये होमवर्क है आपके लिए इसमें का उसके बाद आगे चलो देखते हैं कुछ और स्टेप साथियों देखो इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे एलसीएम एलसीएम आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है ना पहला क्वेश्चन है छ और आठ दूसरा है बारह अठारह सबसे पहले आप दी गई जो भी संख्याएं हैं उनके आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करना आप जानते हो पहले हम गुणनखंड विधि से देखेंगे तो इस तरह से आप इनके फैक्टर कर लोगे ठीक है ये छः का फैक्टर हो गया आप इसे लिख सकते हो छः बराबर दो गुड़ा तीन बराबर गुड़ा एक ठीक है इसी तरह से अगला नंबर का फैक्टर कर लो आठ है आठ का भी फैक्टर कर लो दो चौका आठ और दो दूना चार और फिर दो एक कम दो आठ का भी हो गया आठ ऐसे लिख लो इसमें तीन टाइम दो से कट रहा है लास्ट में वन सब में आता है ना क्या करना है एलसीएम करना है देखो इसमें एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों देखेंगे पहले एचसीएफ देख लो तब एलसीएम आसान हो जाएगा ठीक है गुणनखंड करना सीख ही गए हो साथियों एचसीएफ की अगर बात करें ध्यान दो गुणनखंड विधि है तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों गुणनखंड में कौन से नंबर हैं जो दोनों में कामन है आप देखो तो टू टू इसमें भी है इसमें भी है ना तो ऐसे बराबर ये टू हो गया अब देखो क्या कोई और डिजिट है जो दोनों में कामन है थ्री है इसमें इसमें थ्री नहीं है इसमें टू है इसमें टू नहीं है वन दोनों में है तो आप वन लिख सकते हो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दो ही आएगा तो एच इसका दो आएगा मतलब मासा क्या आएगा दो आएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एच सी एफ़ को एच मीन्स हाइस्ट सी मीन्स कॉमन एफ मीन फैक्टर अगर बात करें इसी में एल की तो एल क्या होगा पहले तो वही नियम अपनाएंगे जो एच में था जो दोनों में था पहले उसको लिखेंगे ये लो मैंने लिख लिया जो दोनों में था लेकिन एल थोड़ा दयालु होता है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता किसी को छोड़ता नहीं है जैसे एच ने छोड़ दिया था दो दो और तीन को ना तो ये पहले तो इनको लिख लिया जिन्हों को एच सी एफ में लिखा गया था फिर जो ऊपर छूट रहा था तीन नीचे जो छूट रहा था दो दो ये सब को लिख लिया जाता है बस यही अंतर होता है सब का गुड़ा कर लो दो यहीं छः दूना बारह दूना चौबीस कितना हो जाएगा चौबीस साथियों इसका ये भी मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जी जो संख्या छः और आठ दोनों से कट जाए तो ऐसी कोई संख्या नहीं है चौबीस के पहले जो छः से भी पूरा पूरा कट जाए और आठ से भी पूरा पूरा कट जाए वही क्या होता है एलसीयम होता है वही क्या होता है एलसीयम लीस्ट कामन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा गुड़ज होता है एक प्रकार से ऐसे समझ लो जैसे अगर मैं बोलूं बारह तो देखो बारह छः से तो पूरा तरह कट जाएगा छः से कट जाएगा ना लेकिन आठ से कभी बारह नहीं कटेगा अगर हम ले लें सोलह आठ से तो पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन छः से सोलह नहीं कटेगा लेकिन 24 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी तो ये 24 क्या है ये एल है बात समझ गए ना ये एल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया हल्का सा एच वाले में देख लो एच इनका दो आ रहा है किसका सिक्स और एट का इसका मतलब क्या हुआ पता है इसका मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जिससे छः भी कट जाएगा और आठ भी कट जाएगा जिससे कट जाएगा बात समझ गया ना जैसे इसमें था जो छः से भी कट जाए आठ से भी कट जाए यानी चौबीस छः से और आठ से भी कट जाएगी लेकिन यहाँ उल्टा है यहाँ जिससे हमें वो संख्या ढूंढनी है यहाँ हमें काटने वाली संख्या ढूंढनी है मतलब कुल्हाड़ी ढूंढनी है लकड़ी पहले से है यहाँ लकड़ी ढूंढनी थी हाड़ी पहले से थी बात समझ गए ना यहाँ कुल्हाड़ी पहले से थी लकड़ी ढूंढनी थी एलसीएम में लेकिन एचसीएफ में क्या है इसमें कुल्हाड़ी ढूंढनी लकड़ी पहले से मतलब इनको दोनों काटना है तो दो के अलावा कोई ऐसी छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जिससे दोनों कट जाएँ देखो भैया चार से आठ तो कट जाएगा लेकिन छः नहीं कटेगा तीन से छः तो कट जाएगा लेकिन आठ नहीं कटेगा फिर पाँच छः कोई भी ऐसी संख्या नहीं है दो के अलावा जिससे छः और आठ दोनों कट जाए तो ये क्या है छः और आठ का एच सी एफ दो है इस तरह का बात आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट तो चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना और पूरा इसे देखते रहना भागना मत बीच में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत कर लो देर ना करो अब भाग विधि से देख लो एच सी एफ और एल सी एफ जैसे हमने लिया था छः और आठ चलो इसी का दिखा देते हैं भाग विधि से पहले एच सी एफ करेंगे साथियों तो इसका मतलब क्या होता है पता है इसका मतलब ये है कि दूसरी वाली संख्या को यानी बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं जैसे छः कम छः फिर घटाने पर क्या आया यहाँ पर देखो दो ना जो घटाने पर आता है फिर उस संख्या से भाग कर देते हैं किस में पहले वाले भाजक में ऐसे तो दो ति छः घटाने पर आया जीरो लास्ट टाइम में जिससे पूरी तरह डिवाइड होता है वही क्या होता है आंसर हो जाता है तो टू क्या है ये एच सी एफ है बात समझ गए ना यही क्या है यही आंसर है बस यही पूरा तरीका होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं जो शेषफल आता है उसको लिख लेते हैं उसके बाद फिर दूसरा कोई नंबर यहाँ से लेते हैं ऊपर से और फिर उसमें भाग करते हैं फिर जो शेषफल आता है लास्ट में जीरो आ जाता है तो फिर वही उत्तर हो जाता है जिससे भाग हुआ होता है अगर नहीं शेषफल जीरो आता तो फिर इसको भाज्य बना देते ये भाजक बन जाता अगर हम इसके एल की बात करें ये तो हो गया सी भाग विधि से तो एल में क्या करते हैं साथियों दोनों नंबर को एक साथ मिला के काटते हैं दोनों को एक साथ मिला के काटते हैं मतलब एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट जाएँ तो आप देखोगे दो से दोनों कटेगा दो तीचा और ये दुई चौका आठ अब फिर कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाएँ तो ऐसा संभव ही नहीं है कि तीन और चार दोनों एक संख्या से कट जाएँ है ना ये पूरा भाई पक्षिम है तो हम एक संख्या काटेंगे वो कौन सा तीन वैसे छोड़ देंगे चार को काटेंगे तो दो दूना चार पहले एक जैसी संख्या को काट लें तीन को ऐसे छोड़ देंगे दो को काट दिए देखो दो खत्म हो गया अब तीन को तीन से काट दिए ये देखो एक आ गया एक से एक काटो चाहे जो भी करो उतना आएगा कोई मतलब नहीं है यानी ये फैक्टर इसका कम्प्लीटली आ गया अब यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर ये जो भी नंबर यहाँ पे आए हैं उनका सीधा सीधा बिना कुछ करे गुड़ा कर लेंगे ही उत्तर हो जाएगा दो दो न चार दो नौ आठ त्री चौबीस बात समझ गए यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं करना है तो ये भाग विधि से भी हो गया आपका और गुणनखंड विधि से भी हो गया आपने दोनों विधियाँ सीख लिया ना इसमें अगर कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करके बता सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं साथियों इसके बाद अगला हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको एक जानकारी बता दें अभी हम आपको एक नंबर दिखाएंगे अगर आप प्रीमियम क्लास लेना चाहते हैं जिसमें हम इन सभी चीज़ों को एक डिटेल में और अच्छे से बताएंगे एक एक क्लास मिलेगी एक एक पॉइंट की तब आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा तो उसके लिए आप उस पर संपर्क करना ठीक है चलो देखते हैं आगे चलो आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान देना आ, ये व्हाट्सअप का नंबर है अगर प्रीमियम क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं सेवन और ट्रिपल इसके बाद आगे चलो आगे बढ़ते हैं क्या होगा ध्यान देना दो दूना चार तीन तरीक कर आप सभी से जानते हो तो जो ये संख्या आई ना इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये संख्या फिर पुनः आ जाती है वर्ग मूल इसका मतलब क्या जानते हो वर्ग धन मूल यानी कि वर्ग करने पर जो संख्या आती है यानी चार उसका वर्गमूल करने पर यह मूल संख्या जाती है कुल मिला के ये समझ लो वर्गमूल करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है ठीक है तो एक बात और जान लो ये सब बात तो अलग हटा दो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि तीन का वर्ग कितना होता है चार का कितना होता है पाँच का कितना होता है इस तरह से आपको कम से कम तीस तक का याद होना चाहिए ठीक है इसे आप याद कर लेना पक्का देखो ये कैलकुलेटर में खोल के कहे रखा हूँ आपकी जानकारी के लिए देखो आपके पास सभी के पास मोबाइल फोन होगा ऐसे खोल लेना और जैसे छः का वर्ग निकालना है ना तो इसे क्या करना छः गुड़ा छः ऐसे करना छत्तीस आ गया ना ये इसका उत्तर हो जाएगा इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे बड़ी संख्याएं जैसे निकालना है पच्चीस का तो पच्चीस का पच्चीस में गुड़ा करना तो छः सौ पच्चीस आ गया ना इसको लिख लेना बस इसी तरह से करना है और सारे वर्ग इसको निकाल करके तीस तक और आप याद करोगे कम से कम आप तीस तक याद कर लोगे तभी आगे बढ़ना है नहीं तो फिर आगे मैथ नहीं आएगा याद रखना इसको बना लेना खुद से मोबाइल कैलकुलेटर से छः का फिर सात आठ नौ दस ऐसे ये मत कहना मुझे नहीं आया ठीक है कैलकुलेटर सबके पास है मोबाइल कर लेना अब हम बात करते हैं ये नौ का वर्गमूल तीन चार का दो ये लिख कैसे दिया जाता है आता कहाँ से है आखिर ये कौन मंगाता है इसको तो देखो नौ का ये तीन कैसे आता है एक्चुअली गुड़नखंड पहले सीखे हो ना ऐसे पहले हम गुड़नखंड करते हैं तीन त्री का नौ फिर तीन एक कम तीन फिर एक एक कम एक ऐसे ठीक है फिर दी गई जो भी संख्या होती है जैसे ये अंडर रूट नौ है ना इसको क्या करते हैं ये अंडर रूट तीन गुड़ा तीन ऐसे इसको हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे फिर इसमें हम पेयर बनाते हैं टू टू डिजिट के ये पेयर बन गया ना वन पेयर बना तो इसमें से क्या होगा वन नंबर ये बाहर हो गया बस ये आंसर हो गया लेकिन ये तो जीरो लेवल था बच्चों वाला अभी अगर आप थोड़ा बड़ा नंबर पे चलोगे ना बड़ी संख्या पे तो थोड़ा सा आपको इसमें और बड़ा मतलब वर्क करना होगा जैसे एग्जाम्पल देखो मान लो कि हमने एक नंबर ले लिया सात सौ उनतीस इसका वर्गमूल होगा इसका घन मूल होगा ये सात सौ उनतीस नौ का क्या है ये नौ का क्यूब है है ना? आ, वर्गमूल में चलो अगर हम बात करते हैं दो सौ पच्चीस ले लेते हैं ना? इसका थोड़ा आसान होगा इसको हम डिवाइड करेंगे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे तो टू टू करोगे टू वन जा टू ये टू से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं ये तीन से डिवाइड होगा टू से करके देख लो नहीं होगा तो थ्री से बन जा ट्वेंटी वन और ये बन गया क्या फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन फिर थ्री से करो तो थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन है ना फिर फाइव से करो तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और फाइव वन जाव बात समझ रहे हो इस तरह से आपका ये निकल गया ना आप यहाँ क्या करोगे पता है हमें क्या निकालना था वर्गमूल निकालना था ना किसका 225 का तो नॉट प्रॉब्लम ये देखो 225 का हमें वर्गमूल निकालना था तो हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट दो इक्वल क्या होगा ये अंडर रूट आ, देखो ध्यान देना तीन गुड़ा तीन गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच समझ गए तीन त्रिकनौ नौ पचे पैंतालीस पैंतालीस पंचे 225 सौ पच्चीस पचम पच्चीस और पाँच चौबीस दुई बाईस ठीक है फिर क्या करते हैं साथ है? उसमें पेयर बनाएंगे टू टू डिजिट के पेयर बनेंगे वन पेयर से वन थ्री बाहर आएगा वन पेयर से वन फाइव बाहर आएगा तो थ्री फाइव जाइए फिफ्टीन इस तरह से इसका आंसर हो गया ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्गमूल ठीक है स्क्वायर रूट इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट आप समझ गए ना पहले गए नंबर के फैक्टर करते हैं फैक्टर करके उनके टू टू के पेयर बनाते हैं, फिर लिख देते हैं इस तरह से कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है आपको सभी नंबर के फैक्टर निकाल लेने हैं और हाँ ये स्क्वायर तो याद कर लेना यार बना के ठीक है कैलकुलेटर से बना लेना देखो ये पी वी आर स्टडी ऐप है पी वी आर स्टडी ऐप में आप ये कोर्स एक साथ पा सकते हैं इसके लिए अभी प्ले स्टोर से पी वी आर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें इस दिए गए नंबर पर आप फोन कॉल या व्हाट्सअप करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं कोई अगर आपके मन में डाउट है कोई क्वेश्चन है तो साथियों अगर आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको चौबीस घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ मिल जाएगा और आप एक से दो महीने के अंदर पूरा बेसिक सीख सकते हैं इसके अलावा आप पी वी आर स्टडी के फेसबुक पेज पर भी सारी क्लासों को एक साथ पा सकते हैं उसके लिए पी वी आर स्टडी को फेसबुक पर अभी अवश्य सर्च करके फॉलो करें हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पी स्टडी लिख के सर्च करना है कहीं भी यूट्यूब पर फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर आपको सिर्फ यही वर्ड लिखने हैं पी स्टडी टेलीग्राम पर भी आप इसको लिख करके सर्च कर सकते हो अगर आप हमसे हर जगह जुड़े रहोगे तो आप कम से कम समय में मैथ पूरा सीख पाओगे जय हिंद जय जै भारत